हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्मॉल किचन टूर। तो बेसिकली ये किचन जो है उतना स्मॉल भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। तो बेसिकली इस किचन में मैंने हर एक वो एरिया यूटिलाइज किया है जो कि मुझे लगा कि वेस्ट हो जाता अगर मैं यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं करूँगी। और स्पेशली कॉर्नर्स जो है मैंने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है ताकि ब्यूटीफुल भी लगे और येट फंक्शनल भी हो। तो उस तरह की चीज़ें मैंने इस किचन में ध्यान में रखी है, येट मुझे बहुत सारी ग्रीनरी चाहिए थी तो किचन में वो ग्रीनरी भी है और बहुत सारे ब्यूटीफुल एरियाज भी है जहाँ की मुझे फील हो कि यू नो मैं के आराम से पीसफुल बैठ के एक यू नो सिप ऑफ चाय पी सकती हूँ। तो किचन को एंट्री करने से पहले यहाँ पर है दरवाज़ा, बिकॉज दिस नॉट ओपन किचन, ये क्लोज किचन है। और एंट्री करते ही आप देखेंगे राइट साइड पर वाटर डिस्पेंसर है। ये मुझे अच्छा एक कॉर्नर मिला था। एक्चुअली ये जगह को जो है वो फ्रिज रखने के लिए थी, लेकिन फ्रिज के बाजू में ही हम लोगों को इतनी जगह मिली कि हम लोगों ने वहाँ पे डिस्पेंसर रख दिया। यह है हमारा फ्रिज और क्वाइट साइज का है, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक माइक्रोवेव ओवन रखा है जो कि वहां पर नहीं यूज होता है। जिस भी मुझे यूज करना होता है वहां से मैं निकाल कर फिर यूज करती हूँ। उसके बाजू में मैंने छोटी छोटी डिब्बियां रखी है जहां पर मैंने आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर में, ये सिर्फ शो पीसेस है, बेसिकली ये यूज नहीं होते हैं, बट जब भी मुझे यूज करना होता है मैं वहां से निकाल कर फिर मसाला यूज कर लेती हूँ। पर ये जस्ट फॉर द शो पीस मैंने रखा है। उसके साइड में रखा है एक मनी प्लांट जो कि ग्रीन इफेक्ट देता है। तो मुझे प्लांट्स बहुत ज्यादा पसंद है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी इन माई किचन लॉट ऑफ ग्रीनरी इज देयर। सो ये है एक शेल्फ जो कि मैंने रखा है सिर्फ प्लांट्स को रखने के लिए, एंड ये इस तरह से मैंने डिजाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट्स आर ऑल्सो लाइक दैट, ओनली लाइट कलर के प्लांट्स है, डार्क कलर के हैं, एंड देन बोथ द कॉम्बिनेशन इज टुगेदर है। मैंने छोटे छोटे पीसेस भी यहाँ पे रखे हैं, और यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने रखा है वॉच। तो आप देखेंगे ये जो एरिया है मैंने एल शेप में डिजाइन किया है ताकि इट लुक्स अमेजिंग एंड बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड ये जो वॉच है आई केप्ट इट इन द एल शेप इटसेल्फ। सो इसके नीचे आप देखेंगे कटिंग बोर्ड रखने के लिए मैंने एक जगह की है बेसिकली, और ये है मेरा डिश ड्राइंग रैक। तो डिश ड्राइंग रैक पहले मेरे पास सिर्फ वहां पर ही था, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं था, इट वॉज लुकिंग वेरी एम्प्टी। तो मैंने क्या सोचा कि इस तरह का एक शेल्फ बनाते हैं, एंड इसके साइड में मैंने होल्डर रखा है। होल्डर नीचे की तरफ नहीं रखा है इसलिए बिकॉज आई वॉन्टेड टू यूटिलाइज द स्पेस। तो अगर मैं स्पंज वगैरह यूज करती हूँ तो उसके नीचे की तरफ रख सकती हूँ, और एक हैंड वॉश है एंड कपड़ा जो भी यूज करने के लिए। ये मैंने हाथ से ही बनाया था, इट्स जस्ट अ पेंटिंग काइंड ऑफ। तो ये चेंज होते रहता है बेसिकली, इट्स नॉट ऑलवेज द सेम बट इट लुक्स कलरफुल। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, दिस प्लेस इज फन। सो ये एरिया जो है बहुत अच्छा दिखता है। इसके नीचे कभी कभी मैं डिश ड्राइंग क्लॉथ जो होता है वो भी रखती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये एरिया को मैंने रखा है। पहले जब प्लांट्स नहीं थे तो बहुत एम्प्टी लगता था, अभी प्लांट्स डालने के बाद बहुत ही अमेजिंग सा लगता है। तो इस एरिया को इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कॉर्नर है, आप डिश ड्राइंग रैक रखते हो, वहां पर थोड़ी सी ऊपर की तरफ आप इस तरह का शेल्फ लगाकर प्लांट्स को रख सकते हैं, तो इट लुक्स लिटिल कलरफुल। उसके बाजू में है हमारा सिंक जहाँ के हमारे बर्तन जो है वो होते हैं वॉश, और इसके सामने ही है विंडो जो कि बाहर की तरफ हम लोग देख सकते हैं। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा बहुत सारे पिजन्स जो है यहाँ पर आते हैं, आई कीप फूड एंड वाटर फॉर देम। और ये एरिया जो है कुछ इस तरह से दिखता है विद फ्रिज एंड डिस्पेंसर एंड ड्राइंग रैक एंड विद द प्लांट। सो इस तरह से मैंने अपना ये एरिया को डिजाइन किया है एंड यूटिलाइज किया है हर एक स्पेस। इसके थोड़ा सा आगे आते हैं आप देखेंगे सिंक है, सिंक के बाजू में मैंने रखा है एक कॉर्नर में, अगेन दिस इज वन ऑफ द कॉर्नर, यहाँ पर मैं रखती हूँ डस्टबिन बहुत बार ताकि क्विक एक्सेस हो। लेकिन अभी जब वीडियो बना रही हूँ तो डस्टबिन को मैंने निकाल दिया है, बट इस एरिया को आप डस्टबिन
पर भी रख सकते हो। इसके ऊपर है ग्लास का एक, पहले ही जब हम लोग आए थे इट वाज ऑलरेडी गिवन लाइक दिस ओनली, बट मुझे ये एरिया पसंद नहीं है इसलिए क्योंकि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो ऑयल यहाँ पर पड़ जाता है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा चीजें नहीं रख सकती हूँ। तो ये जो वाजिस आप देख रहे हैं, ये वाज मैंने नर्सरी से लेके आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे प्लांट रखने का कोई शौक नहीं है इसीलिए, बिकॉज इट गेट्स यू नो दे डाई बिकॉज ऑफ द हीट। तो मैंने यहाँ से हाथ से मैंने वहाँ पर वो बनाया है वाजिस को, तो वो वहाँ पर मैंने उस तरह से रख दिया है। एंड बहुत ही कम मिनिमल थिंग्स मैं इस कॉर्नर में रखती हूँ, ये सिर्फ डस्टबिन या फिर कुछ कुक्ड किए हुए फूड वगैरह रहते हैं उसके नीचे की तरफ रखती हूँ। एंड दिस इज हाउ माई वन साइड ऑफ द किचन लुक्स लाइक। तो ये एरिया इस तरह से मैंने यूटिलाइज किया है एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर काउंटर स्पेस है, काउंटर टेबल स्पेस है। तो इसके थोड़ा सा आगे आते ही आप देखेंगे मेरी गैस है, दिस इज द मिडिल एरिया ऑफ द किचन। जब आप एंटर ही करते हो राइट साइड में आपको दिखेगा ये सारी चीजें, एंड स्ट्रेट आप जब एंटर करते हो तो मेरी ये गैस है, गैस भी परफेक्टली फिट है इस एरिया के अंदर, और ऊपर की तरफ चिमनी है। तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो ऑयल जो है वो दोनों ग्लास जो है वहाँ पर गिर जाता है, इसलिए मैं इस एरिया को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करती हूँ, सिर्फ ऑयल वगैरह रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो एवरी 2 डेज 3 डेज मैं यहाँ पर इस तरह को, इस एरिया को क्लीन करती रहती हूँ। थैंक गॉड देयर इज़ अ चिमनी, तो चिमनी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज ऑफ द ऑयल। एंड इंडियन कुकिंग इस तरह की होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी प्लेस इज स्कैटर्ड विद ऑयल ओनली। मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर में जो कि है लेफ्ट कॉर्नर, मैंने यहाँ पर इस तरह का एक रैक रखा है, छोटा सा रैक है, एंड यहाँ पे एक छोटे से शो पीसेस रखे हैं एंड नाइफ रखे हैं। तो इस एरिया को भी मैंने वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंक्शनल रखा है, और यहाँ पानी रहता है, जो भी चीज़ें मुझे अगर डेली चीज़ें स्पाइसेस वगैरह हो जो भी है वो सारी चीज़ें मैं इस एरिया में रखती हूँ, पैन नाइफ स्पाइसेस जो क्विक मसालाज है वो सारी चीज़ें विद द टिश्यू पेपर। तो ये भी एरिया एक फंक्शनल हो गया है और अच्छे से ये स्पेस जो है यूटिलाइज हो गया है ये कॉर्नर। तो आपका अगर कॉर्नर है जहाँ पर आपको सोच रहे हैं कि क्या करना है तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, एंड इट लुक्स अमेजिंग एज वेल। एंड मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी है वो रेड है या ग्रीन या फिर कहीं कहीं आप देखोगे येलो, उस तरह की चीज़ें मैंने रखी है। तो ये भी बड़ा एक काउंटर स्पेस है, काउंटर टेबल स्पेस है, एंड कैबिनेट्स भी बहुत सारे हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी। तो कुछ इस तरह से मेरा जो स्ट्रेट वाला एरिया है वो उस ऐसे दिखता है। नेक्स्ट कम्स दिस एरिया, दिस कॉर्नर ऑफ माई, जब आप एंट्री करते हो किचन में तो ये लेफ्ट एरिया है, ये एरिया मेरा सबसे फेवरेट एरिया है। मैंने ये स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए बनाया है बिकॉज ही लव टू ड्रिंक टी, सो डू आई एज वेल। बट ये मैंने एक जो कटिंग बोर्ड होता है उससे थोड़ा सा डीआईवाई करके हमारा चाय का स्टेशन मैंने यहाँ पे बनाया है। माय हस्बैंड लव टू मेक टी इन द मॉर्निंग विच इज़ ब्लैक टी नॉट मिल्क टी, तो उनके लिए मैंने ये स्पेस बनाया है। एंड अगेन ये यहाँ पर अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे कलर कॉम्बिनेशन, ये मरून वाइट ब्लू एंड येलो और ग्रीन एंड ऑरेंज, ये सारी चीज़ें मिलाकर मैंने की है। तो ऊपर की तरफ मैंने कटिंग बोर्ड को रखा है एज अ शो पीस, नीचे की तरफ मैंने एक शेल्फ बनाई है, एंड ये भी बहुत ही अमेजिंग सा मैंने फंक्शनल किया है येट लुकिंग ब्यूटीफुल। एक वास को रखा है, इसके साइड में एक ट्रे रखा है, इस ट्रे के ऊपर मैंने जो भी चीज़ें टी शुगर टी बैग्स वो सारी चीज़ें रखी है। एंड यहाँ पर मैंने ऑल्सो रखा है
और छोटे छोटे पीसेस रखे हैं ताकि ब्यूटीफुल लगे। तो ये जो कप्स है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड और हम मेरे लिए है। बाकी के जो कप्स है यहाँ पे मैं नहीं रखती हूँ, एक्चुअली इट इज हैविंग अ डिफरेंट प्लेस, बट ये क्विक एक्सेस वाले कप्स है जो कि इजीली ही कैन टेक एंड यू नो यूटिलाइज। ये वाला जो रैक है मल्टीफंक्शनल होल्डर है ये बेसिकली, ये मैंने एक्चुअली लाया था बाथरूम के लिए, बट मैंने सोचा कि यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है, तो ये होल्डर इस तरह से मैंने रखा है। एंड फ्यू कप्स यहाँ पे रखे हैं एंड फ्यू, ये जो आप देख रहे हैं दिस होम रन्स ऑन लव एंड कप ऑफ वार्म कॉफी, इट्स अ कोस्टर बेसिकली। तो मैंने इस तरह से टेप लगाकर उसको स्टिक किया है ताकि इट लुक्स अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल एज वेल। और ये बेसिकली मैंने पूरा का पूरा जो है DIY किया है। मैंने मेरे पास ये व्हाइट कलर के होल्डर्स थे जो कि एक्चुअली है ना जब छोटी थी उसके लिए लाया गया था, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ही रखते हैं। और ये जो डब्बे हैं इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो स्नैक्स वगैरह रहते हैं, शुगर अगर कभी कम पड़ जाए, पाउडर वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है इस होल्डर्स में। ये है कि कॉर्नर जो है मैं पहले टोमेटो ऑनियंस ये वाली चीज़ें रखती थी इन अ ट्राइंगल रैक, मैंने उसको निकाल दिया है लेकिन मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ पर ऑनियन टोमेटोज को रखूँ। तो मैंने एक यूटिलाइज किया है, मैंने एक आइडिया यूज़ किया है जो कि आप देख सकते हो वो बास्केट्स। तो ये जो दो बास्केट्स है मैंने उसको नीचे की तरफ रखा है, एक शेल्फ लगाया है एंड शेल्फ के ऊपर वाज विद शुगर टी एंड ऑल रखा है। एंड अगेन इट इज़ इन द एल शेप, आप देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक, इट्स लाइक एन एल शेप। अगेन आप जब भी डिज़ाइन बनाओ तो हमेशा सोचो कि आपको करना क्या है, किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो इसमें मैं टोमेटो एंड ऑनियंस रखती हूँ एंड दिखने में भी बहुत अच्छा है एंड इट्स फंक्शनल एज वेल एंड दिस एरिया लुक्स ब्यूटीफुल एज वेल। तो यहाँ पर फ्रूट्स भी रखती हूँ मैं, और एक बार स्टूल रखा है ताकि जब भी किसी को चाय बनानी है या फिर बैठ के ऐसे ही यू नो टाइम पास करना है या फिर यू नो जस्ट वांट टू रेस्ट इन द मिडल ऑफ कुकिंग, तो इसके लिए मैंने ये एक चेयर रखी है। तो ये एरिया जो है मेरा बहुत ही फेवरेट एरिया है, और यहाँ पे मैंने कैटल वगैरह सब अरेंज करके रख दिया है ताकि इस एरिया जब भी चाय बनाना है यू जस्ट नीड टू कम ओवर हियर, मेक योर टी एंड मूव आउट। तो जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं अगर मैं कुकिंग करने कर रही होती हूँ एंड ही वांट टू मेक चाय एंड ऑल, ही डोंट डिस्टर्ब मी इन द कुकिंग, मतलब गैस के पास नहीं आते हैं, ही जस्ट मेक हिमसेल्फ कप ऑफ टी ओवर हियर एंड ही मूव्स आउट ऑफ द किचन। सो इस तरह का है। तो ये इस तरह से मैंने अपने किचन को, किचन जो कॉर्नर्स है यूटिलाइज किया है, तो चारों कॉर्नर मैंने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, लेकिन बीच में का जो एरिया होता है वो आराम से मैंने एम्प्टी स्पेस रखा है ताकि मुझे जब भी कुकिंग करना है तो मैं आराम से इस एरियाज में कुक कर सकती हूँ, क्लीन कर सकती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। नहीं तो होता क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम बीच बीच के काउंटर टॉप पे रखते हैं तो इट बिकम्स रियली अ प्रॉब्लम टू एवरीडे क्लीन एंड ऑल। तो एवरीडे क्लीनिंग भी मेरी अच्छी से होती है, यूटिलाइज भी अच्छे से होता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल एज वेल। और मुझे जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ये सारी चीज़ें। इस किचन में बहुत सारे कैबिनेट्स है विच इज़ अ प्लस पॉइंट, ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी है। तो किचन में अगर आप मेरे देखेंगे जो भी मैंने चीज़ें रखी है वो इधर रहेंगी ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन, येलो, रेड या वाइट, तो यही कॉम्बिनेशन है बिकॉज माई किचन इज़ वाइट ब्लैक ग्रीन की तरह ही है। तो दिस इज़ हाउ माई किचन लुक्स लाइक। सो आई होप कि आपको मेरा ये किचन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन। और जो भी कैबिनेट में है मैंने इस वीडियो में नहीं शेयर किया है, वो किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।